ऐसे ही लाखों 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की शुरुआत की, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को गरीबी के बंधन से मुक्ति मिल सके और वो देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने कौशल के बल पर। ऐसे ही लाखों 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की शुरुआत की, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को गरीबी के बंधन से मुक्ति मिल सके और वो देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने कौशल के बल पर। ग्रामीण युवाओं को इतने बड़े पैमाने पर उद्यमों की मांग के आधार पर विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित कर उनकी नौकरी सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री द्वारा देश के विकास की बड़ी सोच सबका साथ सबका विकास का मूल आधार है। ग्रामीण युवाओं को इतने बड़े पैमाने पर उद्यमों की मांग के आधार पर विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित कर उनकी नौकरी सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री द्वारा देश के विकास की बड़ी सोच सबका साथ सबका विकास का मूल आधार है। ग्रामीण युवाओं को इतने बड़े पैमाने पर उद्यमों की मांग के आधार पर विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित कर उनकी नौकरी सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री द्वारा देश के विकास की बड़ी सोच सबका साथ सबका विकास का मूल आधार है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। क्षेत्रीय जरूरतों को देखते हुए इस योजना में जम्मू और कश्मीर के लिए हिमायत और देश के वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 27 जिलों के लिए विशेष योजना रोशनी शुरू की गई है। कौशल हमारे हाथों में नहीं बैठेंगे अब बिना काम। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को किताबें और यूनिफॉर्म भी इसी योजना से ही दी जाती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ने देश के कोने कोने में लाखों युवकों और युवतियों के लिए ऐसे अवसर खोल दिए हैं कि वो अब अपने भविष्य को खुद अपने हाथों लिख रहे हैं। That's where we saw a difference in this DDAJ, okay? And that's where we are happy about it. So if you look at my top performers in this particular store, so you'll see out of 10...